ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि बच्चों को जो नज़र लग जाती है या आपके कारोबार आदि में जो नज़र लग जाती है, कुछ व्यक्तियों की नज़र बड़ी ख़तरनाक होती है और वह अक्सर लग जाती है, तो उससे आप कैसे मुक्त हों, किस प्रकार आप घर बैठे ही उस नज़र से आप मुक्त हों, उससे आप छुटकारा पा सकें, तो इस विषय में ये वीडियो है। इसके लिए आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको शॉर्टकट में ही बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। आपको एक नींबू ले लेना है, नींबू जो होता है आप एक नींबू ले लीजिए और उसको जिस व्यक्ति के ऊपर नज़र लगी हुई है, जिस बालक के ऊपर नज़र लगी हुई है, उस नज़र वाले व्यक्ति को बैठाकर उसके ऊपर से कोई भी इस कार्य को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप भक्त हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, चाहे किसी की भी करते हो, माता की करते हो, किसी की भी भक्ति करते हैं, पीर पैगंबर जिसको भी आप पूजते हैं, यदि आप पूजते हैं तो उसका नाम लेकर आप 7 बार उसको उल्टा, ध्यान नहीं उल्टा उल्टा, 7 बार उसके सर से 7 बार आपको नींबू को उल्टा घुमाना है, याद रखना उल्टा। और यदि आप किसी की भी भक्ति नहीं करते तो कोई बात नहीं, तो भी आप नींबू को लेकर भी ऐसे आप घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बार आपको नींबू को घुमाना है और घुमाकर उसको, उसके बाद आपको एक चाकू ले लेना है। ध्यान रहे चाकू जो आपको लेना है वो उसका बीनटा जो होता है पकड़ने का, वह लकड़ी का होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। यही इसके अंदर एक गूढ़ रहस्य है कि उसमें चाकू ऐसा नहीं चलेगा जिसका बीनटा प्लास्टिक का हो, ऐसा चलेगा जिसमें उसका बीनटा लकड़ी का हो, ये ध्यान रखना आप। ये सिस्टम है जो मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्यों है, किस प्रकार क्यों ये कार्य करता है, ये बहुत लंबा और वैज्ञानिक भी इसका कारण है। तो आप लकड़ी के बींटे वाला चक्कू लीजिए और उस चक्कू को उस व्यक्ति के ऊपर से 3 बार सर से लेके पांव तक 3 बार उतारिए उसको, ऐसे 3 बार उसको उतारिए ऊपर से नीचे तक, चाहे वह बैठा हुआ जिस तरह मैं बैठा हूँ तो सर से ऊपर को चक्कू से 3 बार ऐसे 1 2 3 बार ऐसे ज़मीन पर आपको 1 2 3 बार आपको उतारना है, 3 बार लाइन करते उतारना। उसके बाद उस चक्कू को लेकर आप अपने हथेली के ऊपर नींबू रखकर, उस बंदे के सर के ऊपर रखकर आपको चक्कू से वह नींबू पकड़कर ऐसे काट लेना है और काट कर उस नींबू को आपको दक्षिण दिशा में कहीं पर भी फेंक देना है। ये तो रहा बाल को या किसी व्यक्ति के ऊपर नज़र आदि का प्रकोप है तो उसे शांत करने का तरीका, उसे ठीक करने का तरीका। अब मैं आपको व्यापार से संबंधित बता देता हूँ कि यदि आपके व्यापार में, आपके कारोबार में किसी की नज़र लगी हुई है तो उसके लिए आपको करना क्या है। आप 7 लाल मिर्च ले लीजिए, 7 लाल मिर्च ले लीजिए और 1 आप नींबू ले लीजिए। नींबू लेकर 7 मिर्चों को लेकर आपको पूरी दुकान के अंदर आपको घुमाना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 बार ही आपको पूरी दुकान के अंदर घुमाना है। जिस भी देवता ईश्वर को आप, माता को आप पूजते हो, उसके मंत्र का आप जाप करते रहें। इस कार्य को शनिवार को करें और नींबू को आप दुकान से बाहर निकलकर नींबू को इसी प्रकार काटकर दक्षिण दिशा में फेंक दें और उन 7 प्रकार की जो 7 मिर्चें हैं उनको आप जला दें। ध्यान रहे दुकान के बाहर आपको जलानी है, दुकान के बाहर कहीं पर भी जला सकते हैं, दुकान के सामने जलाएं, बाहर जलाएं, कहीं भी जलाएं, दुकान के अंदर नहीं जलानी, बाहर कहीं पर भी उनको जला सकते हैं। ये कार्य आप केवल शनिवार को करें, आपकी दुकान से नज़र टोना टोटका तुरंत साफ हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल प्रयोग है, इस प्रयोग को करो आप, आपकी समस्याएं बिल्कुल 100% सॉल्व होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।